हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो में मैंने डिस्कस की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आई एंड इसके बाद मैंने वो चीज़ें डिस्कवर की एंड मैंने उनके रिलेटेड बहुत ज़्यादा सफ़र किया है स्टार्टिंग में। सो आई होप अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप कम से कम इन चीज़ों पर सफ़र नहीं करोगे बेसिकली एट द बिगिनिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहली जो चीज़ थी दैट वाज कि कॉल पे बात करना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मैंने आज तक कॉल पे बात नहीं की थी। मैंने पुराने वीडियोस में कितने बार बताया हुआ है कि जैसे किसी भी रिलेटिव का फ्रेंड का फ़ोन आता था रिलेटिव का, तो मैं बोल देती कि हेलो हाय कैसे हो एंड मम्मा ये लो मम्मा से बात करो। तो मतलब यही वाला सीन होता था। मैंने कभी कॉल पर बात करती ही नहीं थी, फ्रेंड्स के साथ भी सिर्फ चैट पर बात होती थी। तो जब टाइम आया ना कि मुझे अपने फर्स्ट डेट से बात करनी है, आई वॉज लाइक काइंड ऑफ शिवरिंग। मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि यार मैं कैसे बात करूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। वो मतलब रैंडमली कुछ भी पूछेगा, मेरे पास अगर आंसर नहीं होगा तो मतलब किस तरह से आई वुड बी एबल टू मैनेज, और है ना। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग कि अगर आप कॉल पे बात करने में अभी स्टार्टिंग में इतना कंफर्टेबल नहीं हो तो यार अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में आना है, मुझे ऐसा लगता है यार कंफर्टेबल इसके रिलेटेड तो होना ही पड़ेगा कि मतलब यार सीरियसली, क्योंकि कॉल पर बात करना ही पड़ता है। एट दैट आप कितना भी स्टार्टिंग में कर लो कि मैं चैट पर करूँगा। और सेकेंड प्रायोरिटी होती है कि अगर आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल भी नहीं कर सकते तो सेकेंड होता है कि आप वॉइस नोट वाला सिस्टम रखो। अगर आप वॉइस नोट भी नहीं भेज रहे तो चैट पे करो तो बस फिर तो हो गए सारे डाउट्स क्लियर। अभी जैसे वॉइस नोट था ना, तो जैसे जो मेरी मेंटर ने मुझे वॉइस नोट भेजे थे, मैंने वो क्या किया, सारे के सारे वॉइस नोट्स एग्जैक्ट के एग्जैक्ट अपनी कॉपी पे उतार लिए। उन्होंने जैसे वॉइस नोट्स में बोला था कि नहीं फ्रीलैंसिंग, कॉपीराइटिंग, कंटेंट राइटिंग, तो ये सारे शब्द मेरे लिए एकदम ही नए थे। तो एट दैट टाइम मुझे कुछ क्लियर नहीं था भाई कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बस मुझे नहीं पता मैंने क्यों स्टार्ट कर दिया था। एंड मैंने स्टार्ट किया तो देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस, अदरवाइज इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। तो जैसे उन्होंने मुझे मैसेज भेजे थे एग्जैक्ट के एग्जैक्ट मैंने कॉपी पे उतारे और मैंने वॉइस नोट्स बनाए, उनका पूरा ऐसे देख देख के पूरा एक एक चीज़ बोली, है ना। फिर वो नोट्स बनाए तो मैंने सोचा अभी ये आगे सेंड करूँगी। तो दिस टाइप से स्टार्टिंग में इफ़ यू आर अ बिगनर, आपको भी कुछ भी नहीं पता है, पहला बात तो आप वॉइस नोट्स स्टार्टिंग में ही बना लो जो भी आपका मेंटर है उसने जो आपको भेजे होंगे, या फिर यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई वुड सेंड यू ऑल द वॉइस नोट जो कि स्टार्टिंग में समझाने में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वॉइस नोट वाला होगा। दूसरा कॉल के लिए कंफर्टेबल हो जाओ भाई, कॉल करनी ही पड़ेगी। आप कितना भी कर लो कि मैं बिना कॉल के चल लूँगा, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार करनी पड़ती है। अभी ज़्यादा आ जाते ना तो कॉल मतलब चैट पे हैंडल ही नहीं हो पाते। ऐसा होता है कि हाँ मतलब वही कॉल पे सही रहते हैं, एक टाइम पे सारे डाउट क्लियर हो गए और पता भी चल जाता है सामने वाले का एग्जैक्टली पोटेंशियल है कि बाय करेगा भी कि नहीं, तो एक तरह से पता चल जाता है थोड़ा सा कॉल पर। और जो थर्ड मिस्टेक जो मैंने स्टार्टिंग भी की थी कि इफ़ यू आर समवन जो कि कंफर्टेबल है अपना फेस दिखाने में, यार मैंने जिनको नहीं दिखाना होता वो अलग बात है, बट इफ़ यू आर समवन जो दिखाने में कंफर्टेबल है बट आप इसलिए नहीं दिखा रहे जस्ट बिकॉज यू फील कि आपके रिलेटिव्स क्या है, आपके साथ आपके फ्रेंड्स ऐड हैं, रिलेटिव्स ऐड हैं एंड ऑल दिस। तो आई एम टेलिंग यू स्टार्टिंग में मुझे भी था, जेन्युइनली था। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह जिनसे सबको ब्लॉक कर दिया था, बट एट द एंड यार सबको पता चल ही जाता है। एंड नाउ आई एम रियली अर्निंग वेरी नाइस और मुझे अभी किसी भी चीज़ का वो नहीं रहता है कि हाँ अभी मतलब है ना एक तरह से मुझे हाइड करना पड़ता है। तो इफ़ यू आर ऑल्सो बिगनर तो आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि यार कोई क्या सोचेगा, बट सच में एक्चुअली ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। सो स्टार्टिंग में ये माइंड प्रिपेयर कर लो कि हाँ कम से कम इस बारे में मुझे नहीं सोचना है, कोई कुछ भी कह रहा है भाड़ में जाए, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल मेरी फैमिली खुश है, मुझे अर्निंग और लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है यार, और इससे ज़्यादा मतलब क्या ही होगा, है ना। तो बी रेडी अबाउट दैट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ हैव सम पेशेंस, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम ही बहुत सारे लीड्स आ गए और कभी कभी होता है कि एकदम ही नहीं आए। तो व्हेन आई वाज मतलब स्टार्टिंग था ना तो मुझको लीड नहीं आया था, आई वाज काइंड ऑफ कि मैं डिप्रेशन में जाने वाली थी मतलब यार इतना वो लग रहा था। तो एट दैट टाइम अगर मैं रील्स आना छोड़ देती कि यार नहीं हो पा रहा है तो इस टाइप से, तो एक्चुअल में अभी फिर जो वो वाला पीरियड था ना कि अभी मुझे और ज़्यादा आ रहे, तो ये मैं नहीं देख पाती क्योंकि मैं ऑलरेडी लेफ्ट कर चुकी होती। तो वही चीज़ ना कि हैव सम पेशेंस, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं वर्कआउट हो रही है तो भी कम से कम स्टार्टिंग में 7-8 मंथ्स तो मिनिमम है कि यार दे के देखो एक बार। एंड आई एम श्योर कि अगर आप एफिलिएट में बेसिकली अगर आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो ना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स है कहाँ देखूँ, हाँ मेरे पास टाइम नहीं है। जबकि लीड्स पे और नहीं आ रहे इन सब चीज़ों पे इतना मतलब टाइम बर्बाद करेंगे, बट ट्रेनिंग्स नहीं देखना होता है ना। तो एक्चुअल में मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी एक तरह से बस था कि पता नहीं, बट द डे जब मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग देखी ना, आई वॉज काइंड ऑफ यार इतनी सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। जो चीज़ मैं एक्चुअल में फेस कर रही थी उसका सोल्यूशन ऑलरेडी मेरे पास थे और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। तो दिस टाइप से होते हैं ट्रेनिंग्स में, बहुत अच्छा बताया गया है एकदम। मुझे नहीं लगता अगर आप ट्रेनिंग्स देखते हो आपको कोई भी डाउट आता होगा रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग। सो दिस वॉज समथिंग आई वुड से कि इफ़ यू आर अ बिगनर, पक्का एक बार ना अर्निंग को साइड पर रखो भाई, कितना भी अर्न कर सकते हो यार, आप कितना भी अर्न कर सकते हो। और ऐसा मत सोचो कि यार मैं तो एफिलिएट में आ गया, अभी तो मुझे एफिलिएट मार्केटिंग से ही अर्निंग करनी है ये वो, मतलब जितनी अपॉर्चुनिटी आज आती है ना सब ग्रैब करने की कोशिश करो। आपको इतने अच्छे कोर्स दिए जा रहे हैं वीडियो एडिटिंग के, कंटेंट राइटिंग के, कॉपी राइटिंग के, ये स्टॉक मार्केटिंग के, मतलब इतना कुछ है यार सीखने को। किसने कहा है कि अगर आपसे एफिलिएट में नहीं बन पाता है तो आप लाइक ओवर और कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने रिसेंट वीडियो डाला कि मैंने वीडियो एडिटिंग से सिर्फ 15 रील एडिट करके 6000 अर्न किए। तो मतलब वही ना कि आपके पास 100 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेल इन एफिलिएट, छोड़ दो, नहीं हो रहा है इतना तो आई एम नॉट सेइंग छोड़ दो, बट उसको कम करके आप और चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो ना। मैंने बहुत सारे अपने टीम में भी देखा है, दे आर लाइक एफिलिएट, बस मुझे एफिलिएट ही करना है, दिस इज़ ओनली एंड ओनली माई मोटिव, और इस टाइप से। तो यार आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास सीरियसली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आप बस ये सोचो कि मतलब मुझे तो कभी अभी ऐसा लगता है कि मुझे भी स्टार्टिंग में कोई नहीं था ये बताने वाला, मुझे लगता था कि यार मेरी अर्निंग होगी तो एफिलिएट से ही होगी। बट एक्चुअल में जब मैंने अपना फर्स्ट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, देन आई गॉट टू नो अबाउट इट्स पावर कि एक्चुअल में यार मुझे आज तक लगता था बस एफिलिएट में होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा 2 महीने एकदम फ्री बैठी हूँ मैं, बट नहीं यार इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी मुझे लगता है आई एम गोइंग इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑल्सो, आई एम गोइंग इन एफिलिएट ऑल्सो, जबकि माई पेरेंट्स वॉन्ट मी कि मैं स्टॉक मार्केटिंग सीखूँ। मुझे मेरे पापा ने सामने से बोला कि तू स्टॉक मार्केटिंग सीख और तो उसमें कर इन्वेस्ट, इस टाइप से। तो आई वॉज लाइक अभी मुझे लग रहा है मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यार मैंने अभी एफिलिएट के लिए ही मैंने ये लिया है, और भी 100 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है जिनमें आप जा सकते हो, अच्छी तरह से मास्टरी कर सकते हो। और एक चीज़ आता है कॉन्टेंट बनाना, तो आई वुड से ना आपको अपना कंटेंट बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल बहुत अच्छी एकदम टिप टॉप बनानी पड़ेगी। आई वुड से कि आप ना एक तरह से क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस मत करना, बट अगर आपको रियल में एक तरह से वो ब्रांड बिल्डिंग वाली तरफ जाना है ना कि यार हाँ एक तरह से काफ़ी अच्छा मुझे इसमें ग्रो करना है लॉन्ग टर्म में, तो आपको प्रोफाइल अच्छी ही बनानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में मैंने बहुत अजीबोगरीब रील्स डाले थे है ना, एंड बट नाउ अभी मुझे वो सारे मैंने डिलीट कर दिए हैं, मोस्ट ऑफ द डिलीट कर दिए, कुछ थोड़े बहुत बाकी है। तो मतलब एक्चुअल में आई रियलाइज एट द टाइम कि थोड़ा सा बेसिक अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टा से स्टार्ट करूँ तो बेसिक मैं इतना ये ले लूँ कि जो चीज़ ट्रेंडिंग है ना एक तो उस पर डालो, लाइक कोई भी पर्टिकुलर सॉन्ग चल रहा हो है ना उस पर डालो, और या फिर ना जैसे होता है ना ये 30 days चैलेंज। तो अगर आप बिगिनर हो ना, आपको लगता है कि यार एक बार चलो मैं स्टार्ट तो करूँ, वो तो होता ही है कि यार एक बार चलो स्टार्ट तो करो, कैसे भी करो, अच्छी है बुरी है वो तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर जाओगे। बट स्टिल ये सब चीज़ों से भी अपडेटेड रहो कि जैसे जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स या कोई भी ट्रेंड पर्टिकुलर चल रहा हो उसके रिलेटेड ही उसको अपने काम के साथ रिलेट करके आप रील्स डालो, या फिर जो ये चैलेंजेस चलते हैं 30 days चैलेंज, 60 days चैलेंज, इसके टाइप के आप वीडियोस डालो। तो आई एम नॉट सेइंग कि यार अगर आप बिगिनर और आपका स्टार्टिंग में सब कुछ एडिटिंग वगैरह अच्छा नहीं है तो आप एकदम स्टार्ट ही मत करो जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी, बट स्टिल ये सब चीज़ों से भी अपडेटेड रहो क्योंकि ये आपकी और ज़्यादा हेल्प करेंगे। मुझे ये किसी ने बताया ही नहीं था एक्चुअल में कि मे बी अगर मैं एट दैट टाइम ऐसी रैंडम रील्स डालने से अच्छा मैं भी इस टाइप से चैलेंजेस वगैरह लेती तो उसमें मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंटली रह पाती और मे बी आज मेरी ग्रोथ एक्चुअल में थोड़ी अच्छी होती। मतलब ये भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप एक बार स्टार्टिंग में ध्यान दे सकते हो, ट्रेंड पे चलना इफ़ यू आर इन एफिलिएट मार्केटिंग। सो दीज आर सम टिप्स, होप ये आपकी काफ़ी हेल्प की होगी अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में बिगिनर हो। एंड अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, देन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो फॉर एनी टाइप ऑफ। आपको नहीं पता है हाउ टू स्टार्ट, मैं एकदम ही बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, सो यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, देयर आई वुड प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।